Assalamualaikum. Hi everyone, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैर खैर से हैं। अभी सुबह का वक्त है, सुबह के करीब 8 या 8:30 बजे हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ हमारे ये ब्रेकफास्ट। आज हमने ब्रेकफास्ट में बनाया था डोसा, और डोसे पे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ये डाल दिया है, क्योंकि आजकल इस तरह के डोसे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इसके साथ में मैं बनाई थी कोकोनट की चटनी, और बहुत ही मज़े का हमारा ये नाश्ता बन के तैयार है। यहाँ पे रियाद में अभी का जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला है, बहुत ज़्यादा धूप है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो सुबह या दोपहर में हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो आज बाहर भी जाना है, कुछ शॉपिंग भी करनी है, तो शाम में चले जाएंगे। हमारा नाश्ता हो चुका है, उसके बाद मेरे हस्बैंड और अर्श ये दोनों यहाँ पे ये टीवी का स्टैंड है उसको असेंबल कर रहे हैं। इसके साथ जो इंस्ट्रक्शन आता है उसको देखते हुए ये लोग यहाँ पे असेंबल किए जा रहे हैं, ये लोग जिनका काम कर रहे हैं। और मैं आई हूँ यहाँ पे लंच बनाने के लिए। आज मैंने सोचा है कि लंच में बनाते हैं खीर। बहुत दिनों से खीर खाने का बहुत मन हो रहा था मेरा, इसलिए आज मैं खीर बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने दूध को बॉयल आने के लिए रख दिया है। अब ये है चने की दाल, इसका मैंने रात में भिगो दिया था, और देखिए सुबह तो बहुत ही अच्छे से ये पीक चुकी है। आज मैं इस चने की दाल से पूरियाँ बनाऊंगी, बहुत ही मज़े की पूरियाँ बनती है। मैं अक्सर ये पूरियाँ बनाती हूँ और मेरे फैमिली में बहुत ज़्यादा पसंद से हम लोग खाते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे जो भिगाई हुई चने की दाल थी उसमें से मैंने आधे से ज़्यादा दाल ले ली है, थोड़ी सी दाल मैंने इसमें बचा भी है ताकि मुझे इसकी सब्ज़ी भी बनानी है। और ये जो दाल है इसमें मैंने डाला है लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर। इन सब में मैं थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड करूँगी और इसका बारीक सा पेस्ट बना लूँगी। इसको हमें बहुत ही ज़्यादा बारीक पीसना है, इसमें कोई भी दाल नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हम तो पूरियाँ बनाते तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए मैंने उसमें 4 चम्मच सूजी ऐड की है, मेरी जो चम्मच है बड़ी चम्मच है, तो 4 चम्मच यहाँ पे सूजी डाली है ताकि जो पूरियाँ है बहुत ज़्यादा समय पर फूली रहे। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है गेहूँ का आटा और नमक, साथ में मैं यहाँ पे चने की दाल है इसकी अजवाइन ऐड करूँगी। यहाँ पे 1 चम्मच के मुकाबले मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है। अब इन सबको अच्छे से मिला लेना है और इसका एक पाइप सा बो बनाना है, जिस तरह हम पूरियों के लिए बो बनाते हैं उसी तरह से इसका पाइप सा बो बनाना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पानी डालिए। अब देखिए बहुत ही अच्छा मैंने इसका बो बना लिया है। अब इसको रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। कुछ दिन पहले मैंने सिलिकॉन के लीव्स का एक पैकेट लेके आई थी, उसमें 6 लीव्स आते हैं। आप इस तरह से किसी भी साइज़ के जो कंटेनर है, ग्लास है या आपका कोई डिब्बा है उस पर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ग्लास पे जो सबसे छोटा साइज़ है तो इस साइज़ में आता है, इसको हम अच्छे से निकाल भी सकते हैं और हमारा जो खाना है, जो भी ड्रिंक है वो यहाँ पे सेफ रह सकता है। हमारा कुछ बचा हुआ खाना है हम फ्रिज में रखते हैं, तो इस तरह से हम उसको लीव लगा के रख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। और देखिए यहाँ पे जो दूध है वो अच्छे से बॉयल हो चुका है, मैंने इसमें भिगाए हुए चावल ऐड किए हैं। ये जो चावल है ये मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो दिए थे। और यहाँ पे मैंने जो जीरा मसाला राइस आता है, जो छुपा वाला राइस होता है, वो इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे बासमती राइस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये है दो आलू, इन आलू को अच्छे से मैं अभी यहाँ पे प्याज करूँगी और छोटे छोटे टुकड़ों में मैं यहाँ पे इसे काट लूँगी। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल और आलू की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी।
और पिन शॉपिंग में तो बहुत ही फेवरेट काम है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सब्ज़ियाँ काटना, शॉप करना, साफ करना। बचपन से मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला जो काम है वो। इस साइड में जो चीज के लिए राइस पक रहे हैं वो देखिए अच्छे से बॉयल आ गया है इसमें। यहाँ पे मैं बीच बीच में इसमें चम्मच चलाते जा रही हूँ ताकि जो चीज है वो नीचे ना चिपके। अब जो हम चने की दाल की जो सब्ज़ी बनाएंगे इसके लिए मैंने प्याज टमाटर आलू सब कुछ चप किया है। साथ ही मैंने एक छोटी सी ओखली है, मैंने इसके अंदर दिया है हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और थोड़ा सा जीरा। इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है, बहुत ही ज़्यादा बारीक नहीं कूटा है। यहाँ पे मैं जो आज की जो सब्ज़ी है वो कुकर में लगाऊंगी। इसके लिए देखिए मैंने ऑयल लिया था कुकर में, उसमें ऐड किया है हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और जीरे वाला जो हमें कूटा हुआ मसाला था वो, उसमें मैंने ऐड की है बारीक चटा हुआ प्याज, हल्दी, उसको भी अच्छे से भून लिया है। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ कटे हुए आलू और जो हमारी भिजाई हुई दाल थी वो भी मैंने इसमें मिला दी है। अब इसको अच्छी तरह से हमें भून लेना है। साथ ही में जो मेरी खीर है उसमें भी चम्मच चलाए जा रही हूँ ताकि जो मेरी खीर है वो नीचे चिपके ना। यहाँ पे मैंने चने की दाल और आलू को कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। किसी भी सब्जी को हम जितना भूनते हैं उसका स्वाद उतना अच्छा आता है। अब मैंने इसमें ऐड की है लाल मिर्च का पाउडर और बारीक कटा हुआ टमाटर। उसके बाद यहाँ पे ऐड किया है मैंने नमक, नमक आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए। साथ ही में मैंने इसमें ऐड की है कसूरी मेथी और 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। अब यहाँ पे मैंने गर्म पानी से ऐड किया है और इसको अच्छे से मिला दूँगी। यहाँ पे मैंने पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया है क्योंकि जो हमारे चने की दाल है और आलू है उन्हें पकने के लिए थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगेगा। अब मैं कुकर के ये भी आऊँगी और कम से कम 2 सीटी आने तक इसको पका लूँगी। अब बढ़ते हैं हमारे चीज की तरफ। देखिए चावल जो था हमने इसमें डाला हुआ अच्छे से पक गए हैं। अब मैंने इसमें ऐड की है ब्राउन शुगर, आप यहाँ पे सफ़ेद जो शुगर आती है वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने ऐड किए हैं थोड़े से पिस्ते और काजू, जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद है आप डाल दीजिए। यहाँ पे मेरे पास पेबे थे तो मैंने उसको क्रश किया है और पेबे मैंने इसमें ऐड किए हैं। आप इसके बजाय इसके अंदर मावा या खोया जो भी आपके पास है आप इसमें ऐड कीजिए। साथ में देखिए यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर ऐड की है और देखिए इस तरीके की जो कंसिस्टेंसी आनी चाहिए क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी और हमारी खीर यहाँ पे बन चुकी है। अब यहाँ पे जो हमने दो लगाया था पूरी के लिए उसको भी अच्छे रेस्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने बर्ज बना के लिए है और छोटी छोटी पूरियाँ मैं इसके बना लूँगी। पूरियाँ का साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए मीडियम साइज़ की पूरियाँ बनाई है, ना ज़्यादा बड़ी है और ना बहुत ज़्यादा छोटी है। यहाँ पे मैं सारी पूरियाँ पहले बेल लूँगी और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। पूरियाँ बनाते वक्त आप उस पर आटा लगा सकते हैं या आप ऑयल भी लगा के बेल सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको आटा लगा रही हूँ। मेरी जो सारी पूरियाँ थी मैंने बेल ली है। अब मैंने यहाँ पे रखी कढ़ाई, उसमें देखिए अभी ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं एक एक करके इसमें पूरियों को फ्राई कर लूँगी। अब यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे हम जो हमारी पूरियाँ हैं वो फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना है वरना जो हमारी पूरियाँ हैं वो अच्छे से नहीं फूलेंगी। यहाँ पे देखिए हमने जो हमारे आटे में सूजी मिलाई थी उसकी वजह से हमारी पूरियाँ बहुत अच्छी तरह से फूल रही है और ये बहुत लंबे समय तक ऐसी ही फूली हुई रहेंगी। पूरियों को अच्छे से वॉल्यूम के लगाने को हम फ्राई कर लेंगे और सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पे सारी पूरियाँ फ्राई कर ली हैं और मेरी हर एक पूरी बहुत ही अच्छी तरह से फूल गई थी। क्योंकि जिस तरीके से मैंने 2 बनाया है अगर आप इसी तरह से बनाएंगे तो आपकी इसी तरह से बहुत ही मज़ेदार पूरियाँ बन के तैयार हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा समय तक ये इसी तरह से फूली फूली रहेंगी। इसी तरह से मैंने सारी पूरियाँ यहाँ पे फ्राई कर दी है।
हमारी जो आलू और चने की दाल की सब्जी थी वो भी बनकर तैयार है। देखिए कुकर ठंडा हो चुका है और यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी चने की दाल और आलू की सब्जी बनकर तैयार है। यहाँ पे मैंने ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है और अब हम यहाँ पे हमारी लंच वाली थाली और बहुत ही मज़ेदार ये जो आलू और चने की दाल की सब्जी है। आपने आज तक कभी ट्राई नहीं किया है तो ट्राई कीजिए और उससे भी ज़्यादा मज़े की हमारी खीर। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा क्रश किया हुआ पिस्ता ऐड किया है और ये थोड़ी थोड़ी सी पूरियाँ और साथ में आप अपना मनपसंद सैलेड इसमें रख सकते हैं और सिंपल सी थाली बन के तैयार है। बहुत ही मज़े की थी और अगर आपने से किसी ने ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। जब तक मैं लंच बना रही थी तब तक अर्श और मेरे हस्बैंड ने ये जो टीवी का स्टैंड है इसको अच्छे से असेंबल किया, उस पर टीवी भी लगा दिया है। अब ये है इसका फाइनल लुक। उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और अभी हुआ है शाम का। देखिए सूरज कितना अच्छा लग रहा है। अभी करीब कुछ 6 बजे होंगे और 6 बजे के वक्त का ये नज़ारा है। बहुत ही प्यारा मौसम लग रहा था बाहर, लेकिन गर्मी थी अभी भी बहुत ज़्यादा। अब हम जा रहे थे कुछ सामान स्टेशनरी लेना था, इसलिए ये एक फैमिली कॉमर शॉप है, यहाँ पे अच्छी स्टेशनरी मिल जाती है तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। बाहर देखिए बहुत ही प्यारा सनसेट का नज़ारा है। आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने सनसेट देखा है। लास्ट टाइम तो इंडिया में गाँव में देखा था, उसके बाद आज ही देख रही हूँ। वरना इस टाइम पर ज़्यादातर हम लोग बाहर आते ही नहीं हैं। और यहाँ पे देखिए पूरे शॉप में बहुत ही प्यारी प्यारी बैग्स आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे जो हॉली पे थे वो अब ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे स्टोर ओपन होने लगे हैं, कुछ ओपन हो चुकी हैं क्योंकि अभी हो जाएंगी मिस क्योंकि, तो बहुत सभी शॉप्स पे यहाँ पे बैक टू स्टोर ऑफर लगे हुए हैं। और हमें भी जो सामान खरीदना था और उसके लिए हमने वो ले लिया है, क्योंकि अब जैसे स्कूल स्टाफ हो जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे पानी के जो मटके होते हैं वो आए हुए हैं, उनका शेप मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी यहाँ पे गर्मी का सीज़न होने की वजह से ये मटके यहाँ पे आए हुए हैं और हम भी हमारी शॉपिंग करके आ चुके हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मैं यहाँ पे लेके आई हूँ कुछ बुक्स, ये एक्टिविटी बुक है, साथ में मैं अपने लिए भी एक कलरिंग बुक लेके आई हूँ। वो एडल्ट कलरिंग बुक है, मुझे कलरिंग का बहुत ज़्यादा शौक है तो मैं भी करती रहती हूँ। और साथ में इसके लिए चंपास लेके आए हैं, कुछ इरेजर हैं और ये ग्लिटर वाले पेन हैं जो बचपन में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते थे ये पेन। साथ में ये वाइट फॉक्स हैं, आज की यूनिफॉर्म में वाइट फॉक्स और ब्लैक शूज़ हैं। उसके जो शूज़ थे पुराने वाले अब उसके उतने अच्छे से फिट नहीं हो रहे, इसलिए इसके शूज़ भी हमने चेंज करा दिए हैं। उसके बाद मैं लेके आई थी हमारे जो बर्ड्स हैं उनके जो सीव्स होते हैं वो, और वे स्टूल मुझे बहुत दिनों से चाहिए था तो अच्छों का सा स्टूल भी मैं लेके आई हूँ। साथ ही में मैं कुछ टिश्यू पेपर लेके आई थी और अब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगी तो मास्क की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं उसके लिए मास्क लेके आई हूँ। और इसके लिए लेके आए थे ये स्कूल बैग, उसकी जो पुरानी वाली थी बहुत ज़्यादा उसकी ख़राब कर दी है। इसके साथ देखिए लंच बैग भी आई है, मतलब लंच बॉक्स के लिए एक बैग आई हुई है और ये एक पेन के लिए पाउच भी आया हुआ है। बैग के बहुत सारी वैरायटी थी वहाँ पे, लेकिन मुझे इस बैग का कलर अच्छा लगा इसलिए मैंने ये वाला बैग सिलेक्ट किया और उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा ये कलर। तो ये भी मेरी आज की रिव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको रिव्यू में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए रिव्यू के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।